डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है और मैं गुजरात के वडोदरा शहर से कुछ ही दूरी पर बसे हुए एक गांव में रहता हूँ। मुझे मेरा गांव बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे पापा यहाँ पर एक हलवाई हैं और यहाँ उनका काम बहुत अच्छा चलता है, लेकिन मुझे इस दुकान पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी उम्र 17 साल हो चुकी है और मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं शहर में जाकर काम करना चाहता था, इसीलिए मैं अपने पिता की दुकान पर नहीं बैठता। तब मेरे दादाजी की मौत हो गई और उनके बाद मेरे पिता पर बोझ बढ़ने लगा। उसके बाद मेरे चाचा के लड़के मेरे पिता के साथ आकर बैठना शुरू हो गए। इससे मुझे थोड़ी शांति मिली। मेरे पिता के दुख थोड़े कम हो गए थे, लेकिन मैं हलवाई का काम नहीं करना चाहता था। मैं कोई और काम करना चाहता था। मैं अपने पैरों पर खड़े होना चाहता था। इसके बाद जब मैं 21 साल का हुआ, मैंने अपने पिता से कह दिया था कि मैं शहर में जाकर काम करना चाहूँगा। और तब मुझे पता चला शहर में हमारी एक ज़मीन भी है। वडोदरा शहर में एक बहुत अच्छा बना हुआ घर जो कि हमारा था और मेरे दादा ने उसे खरीद रखा था। इसके बाद बहुत लोग थे जो उसे खरीदना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता ने उस घर को कभी बेचा ही नहीं। इसके बाद कई लोगों को उसे किराए पर दिया। इस बारे में मुझे अब जाकर पता चला था और इसके बाद मैंने अपने पिता के साथ दुकान पर कई बार बात करने के लिए आया हुआ होता। कई लोग शहर से आते उस घर को खरीदने के लिए। उस घर के कई पड़ोसी थे और वहाँ वो पड़ोसी उस घर को खरीदना चाहते थे। मेरे पिता मना कर दिया करते और एक बार तो एक बूढ़ा आदमी उसे खरीदने की पूरी जिद कर रहा था। मैंने उस बूढ़े आदमी को बहुत खरी खरी सुनाई और वहाँ से भगा दिया। इसके बाद मेरे पिता कहते जा रहे थे, शहर में कई लोग कब्जा करने की कोशिश करते हैं, अब क्या ही करें, ज़मीन को बेच दे, उस घर को बेच दे। मैंने कहा, मैं वैसे भी शहर जाना चाहता हूँ, तो क्यों ना उस घर में मैं रहना शुरू कर दूँ। इसके बाद कोई भी हमें तंग नहीं करेगा। मेरे पिता खुश थे और मैं भी इससे शहर में कोई काम कर सकता था। इसके बाद मैंने दो ट्रंक भरवाए अपने कपड़ों के और सीधा पहुँचा दिया उस घर में। घर की साफ सफाई कर दी गई थी। जब मैं उस घर में रहना शुरू कर गया, मैंने देखा आस पड़ोस के कई लोग जल रहे थे मुझसे। कई लोग मुझे तंग कर रहे थे कि मैं उस घर को बेच दूं। फिर मैंने ठान लिया कि मैं यहाँ पर कोई ना कोई काम ढूंढ लूँगा। सुबह सुबह काम पर निकल जाया करूँगा, शाम को यहाँ पर पहुँचा करूँगा, फिर कोई तंग करने वाला नहीं होगा। इस तरह मैंने एक जगह पर काम करना शुरू कर दिया। अब मुझसे घर में खाना बनाया नहीं जा रहा था, तो मैंने एक आसपास के पेइंग गेस्ट से एक खाने का डिब्बा मंगवाना शुरू कर दिया। अब दिन में दो डिब्बे आते मेरे घर में, एक सुबह का खाना, एक शाम का खाना। दोपहर का खाना मैं बाहर ही खा लेता था। इस तरह समय बीतता जा रहा था, लेकिन तब मुझे अपने दादा की बात याद आनी शुरू हो गई। जब लोग आपसे नफरत करना शुरू कर देते हैं ना, उसका असर आपके शरीर पर पड़ना शुरू हो जाता है। मेरा शरीर कमज़ोर सा हो रहा था, बार बार मुझे काफ़ी ज़्यादा चक्कर आते। मैं एक फैक्ट्री में काम करना शुरू हो गया था और वहाँ पर बार बार मुझे चक्कर आते और मैं गिर जाता। इसके बाद मैं उस फैक्ट्री के काम को छोड़कर थोड़ा सा आसान काम, किसी कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर चलाने का काम ढूंढ चुका था। उस काम में भी थोड़ी थोड़ी परेशानी थी। मेरा शरीर पहले मोटा हुआ करता था, इसीलिए मैं हलवाई की दुकान पर नहीं बैठता था। अपने पिता के साथ बैठकर कभी कभी मुझे उन मिठाइयों का स्वाद चखना पड़ता था, वो कैसी बनी है। और वहाँ इतनी तरह की मिठाइयाँ बनती थी, हर एक मिठाई का स्वाद चखने से मैं मोटा होता जा रहा था। अब मोटे होने से बचने के लिए मैं शहर आया था और यहाँ बहुत तेज़ी से पतला हो रहा था। शुरू शुरू में मुझे अच्छा लगा कि मेरा वज़न कम हो रहा है, लेकिन बड़ी तेज़ी से वज़न का कम होना अच्छे संकेत नहीं देता।
मेरी आंखों के नीचे काले गड्ढे बढ़ने शुरू हो गए थे, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए थे, मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा था और उसके बाद मुझे लगा दवाई लेने का वक्त है, हो सकता है पेट में इन्फेक्शन हो। 2 महीने से बहुत ज़्यादा बीमार होता जा रहा था और मैं डॉक्टर को ढूंढना शुरू हुआ और मुझे पता चला जिस कॉलोनी में हमारा ये घर बना हुआ था वहाँ पर एक छोटी सी डिस्पेंसरी थी, वहाँ एक डॉक्टर बैठा करता था। मैं सीधा उस डॉक्टर के पास पहुँच गया। जब मुझे उसने देखा, मुझे देखकर पहचानने की कोशिश कर रहा था, फिर उसने मेरे दादाजी का नाम लिया और कहा तुम उनके पोते हो ना? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। फिर हम दोनों में बात चलने लगी। वो मेरे दादा की बातें बता रहे थे, कैसे उन्होंने यहाँ पर ये घर खरीदा था, यहाँ पीछे खेत हुआ करते थे, वो खेत भी उन्होंने उन डॉक्टर्स को बेचे थे। इस तरह बातें काफ़ी ज़्यादा चली और फिर बात हुई मेरी सेहत की। मैं कहने लगा था कि मेरी सेहत काफ़ी ख़राब होती जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पेट में इन्फेक्शन हो गया। तब वो डॉक्टर कहने लगा था देखता हूँ तुम्हें ये 2-3 टेस्ट करवाने होंगे, ये तुम्हें बाहर उस शहर के बीच में जाकर टेस्ट करवा के लेके आने होंगे और रिपोर्ट शाम को मिलेगी, शाम को मैं यहीं पर बैठा हूँ और मुझे बस वो रिपोर्ट दिखा देना। मैंने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले ली थी, फिर मैंने अपने टेस्ट करवाए। वो टेस्ट की रिपोर्ट देखकर उस डॉक्टर ने कहा था देखो शरीर में थोड़ी थोड़ी परेशानी तो है लेकिन जैसी तुम्हारी सेहत बिगड़ रही है ना इन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा। उसने 3 दिन बाद दोबारा टेस्ट करवाने को कहे थे और मुझे कुछ दवाइयाँ भी दी थी। अब उन दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा, शरीर मेरा कमज़ोर होता जा रहा था, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा था। और एक दिन लगभग 15 से 20 दिन बाद उसने मुझसे बात की, मुझे अपनी उस डिस्पेंसरी पर बुलाया शाम के वक्त, मैं ठीक नहीं हो रहा था तो मैंने उससे कहा किसी और डॉक्टर से दवाई ले लो। उसने कहा देखो किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि तुम्हारे साथ परेशानी क्या है। मैं बड़ा गंभीर होकर उस डॉक्टर की बात सुन रहा था, फिर उसने एक एक करके मुझे पूरी बात बतानी शुरू की। यहाँ पर कई लोग जादू टोना करते हैं, तुम्हें तो पता होगा तुम्हारे घर को काफ़ी लोग पसंद करते थे, वो इसे खरीदना चाहते थे वो भी सस्ते में, तुम्हारे दादा के पीछे भी पड़े थे, तुम्हारे पिता के पीछे भी पड़े थे, अब तुम तो यहीं पर आ गए, मुझे लगता है तुम पर किसी ने जादू टोना किया है, उसका निवारण तुम्हें करवाना होगा। अब मैं थोड़ा हैरान हो चुका था, एक डॉक्टर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरानी तो होती ही है ना। मैं उससे कहने लगा आखिर आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं, अगर मेरे शरीर में कोई बीमारी है तो उसकी दवाई दीजिए, दवाई से सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। तब वो कहने लगा रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा, चेक करो ये सारी रिपोर्ट्स चेक करो, आया है कुछ, कुछ नहीं बड़ा हुआ है, किसी भी डॉक्टर के पास ये रिपोर्ट्स लेकर चले जाओ, वो कहेगा कि शरीर में तो कुछ भी गलत नहीं है फिर भी परेशानी क्यों बढ़ रही है। तुम समझ नहीं रहे, जादू टोने के असर को कोई डॉक्टर तोड़ नहीं सकता, इसे तोड़ने के लिए किसी और शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं तुम्हें एक तांत्रिक का एड्रेस बताता हूँ, देखो मैं पागल लग रहा हूँ, बिल्कुल एक डॉक्टर किसी तांत्रिक का नंबर नहीं देते, मैं दे रहा हूँ, एक बार जाकर उससे बात कर लो, ये लो 500 रुपये मुझसे ले लेना, उसकी जो फीस है मैं अपने पैसे से दे दूंगा, लेकिन मुझे तुम पर थोड़ा तरस आ रहा है, डर लग रहा है कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, ये लोग तुम्हारी इस जमीन को हथियाना चाहते हैं, इसलिए जादू टोने का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उस तांत्रिक से मिलकर आ जाना, जैसा वो कहे वैसा करना, पैसे मुझसे ले लेना। अब मैं उसके पैसे कैसे पकड़ सकता था, फिर भी मैंने हामी भरी, इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर है कुछ ना कुछ काम की बात तो ज़रूर ही बताएगा। फिर मैं उस तांत्रिक के पास पहुंच गया, जब मैं उस तांत्रिक के पास पहुंचा मुझे देखते ही वो कहने लगा शरीर कमज़ोर हो गया है, आंखों के नीचे काले गड्ढे, तुम्हारी सेहत बिगड़ती रहती है, तुम्हारे शरीर के इर्द गिर्द ये काली शक्ति महसूस कर रहा हूँ मैं, जादू किया गया है तुम्हारे ऊपर और कोई साधारण नहीं, कैसा तांत्रिक है ये जिसने तुम पर जादू किया है, इसका तोड़ दूर से ही देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मैं उस तांत्रिक की बातों से हैरान था, मुझे देखते ही वो पहचान गया आखिर परेशानी क्या है, तो मुझे लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, ये निवारण कर सकता है। वहाँ आधा घंटा बिठाया था, उसने मुझे कुछ खाने की चीज़ें दी थी, एक सेब दिया था, हर चीज़ को खाने के बाद उसने कहा देखो किसी पर भरोसा मत करना,
किसी ने जादू टोना किया है तुम्हारे घर पर, अब तुम्हें निवारण करने के लिए एक खास चीज का इस्तेमाल करना हो। मैं काफी कमजोर हो चुका था। अब उसने कई ऐसे बातें बताई मुझे जिससे मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। घर में क्या क्या मौजूद है, कैसे जादू टोना घर पर किया गया, किसने किया, बस ये वो बता नहीं पा रहा था। उसने कहा जिसने जादू टोना किया है उसके पास काफी तगड़ी शक्तियां हैं, अब तुम्हें बचने के लिए उनके पास जाना होगा जो तुम पर असर कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे उस आदमी को ढूंढना होगा जिसने जादू टोना किया है। उसने कहा नहीं, जादू टोना करने वाले को नहीं ढूंढना है, जादू टोना करने के बाद जो भूत प्रेत आत्माएं पिशाच आपके शरीर के इर्द गिर्द पहुंच जाते हैं ना, तुम्हें निवारण उनके पास जाकर करवाना होगा। ये बातें सुनने में काफी अजीब लग रही थी लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने उससे ये कहा मुझे साधारण शब्दों में समझाओ, तो वो कहने लगा देखो वडोदरा शहर के एक खास इलाके में एक पुरानी बिल्डिंग है जिसे भूतिया बिल्डिंग कहा जाता है, 2-3 फ्लोर होंगे उसके, वहां पर रात के 12 बजे जाना, और मैं अमावस की रात को कह रहा हूं, वहां पर जाने पर तुम्हें भूत प्रेत नजर आएंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उनसे ही तुम निवारण कर पाओगे। वहां तुम्हें एक काम करना होगा, एक रात के लिए वो काम कहेंगे और उसके बदले में जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तुम बदले में निवारण मांगना, बस कोई भूत प्रेत पूरी जिंदगी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। भले ही तुम जादू टोने वाली चीज को उठाकर मुंह में डाल लेना, कोई भी काली शक्ति कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगी, लेकिन वहां खतरा बहुत होता है, तुम्हें जाना वहीं पर पड़ेगा, या तो तड़प तड़प कर धीरे धीरे मर जाओ या वहां खतरे को उठाओ और निवारण कर लो। ज्यादा परेशानी नहीं होगी, डरने की बात नहीं है, वो भूत कोई नुकसान नहीं करते, बस थोड़ा सा खेलते हैं फिर छोड़ देते हैं, वहां जाकर ही तुम्हें छुटकारा मिलेगा। वो तांत्रिक अब अपनी बात पर अड़ चुका था और कहने लगा था अब मैं कुछ नहीं कर सकता, चले जाओ यहां से, कुछ भी करना चाहते हो तो कर लो, धीरे धीरे तुम मरने वाले हो और जिसके पास जाओगे वो भी मरेगा, अब तुम अपने परिवार के पास मत जाना, जो खा रहे हो वही खाना, बदलना मत वरना मौत और नजदीक आ जाएगी, वहां पहुंचने का मौका तक नहीं मिलेगा। सोचो 2 दिन तक सोचो, 3 दिन बाद अमावस की रात है, वहां जाने को तैयार हो गए तो ठीक है, वरना उसके अगली अमावस की रात मुझे नहीं लगता तुम देख पाओगे। इसके बाद मैं वहां से आ गया था। शाम का वक्त था, काम पर जाने का भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि उस तांत्रिक ने मुझे जो जो बातें बताई थी मैं बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। वो रात बड़ी मुश्किल से निकली थी, मुझे ऐसा लगता रहा था वो काली शक्तियाँ मुझे आज ही मार देंगी, अमावस की रात तक वो मुझे पहुँचने नहीं देंगी, और पूरी रात मैं सो नहीं पाया। सुबह सुबह उस डिस्पेंसरी पर मैं उस डॉक्टर से मिलने के लिए पहुँच गया और मैं उसको सब सच बता चुका था। फिर वो मुझे कहने लगा देखो मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ कुछ चीज़ों का इलाज डॉक्टर करते हैं, या कह सकते हैं सभी बीमारियों का इलाज डॉक्टर करते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका इलाज डॉक्टर नहीं कर सकते, भूत प्रेत इनका इलाज हमारे पास नहीं, इनका इलाज उन शक्तियों से ही होता है, और तुम्हें अगर उस तांत्रिक ने कुछ बताया है तो मान लो, वरना सच में तुम मारे जाओगे। यहाँ मैंने कई लोगों को मरते हुए देखा है, कौन है इस कॉलोनी में जो तंत्र विद्या का इस्तेमाल करता है और मारता है लोगों को जादू टोने से, कोई ना कोई खतरनाक है, तुम्हें वहां पर जाना होगा, 2 दिन है तुम्हारे पास, सोचो सोचो जल्दी सोचो। मैं घर में आ गया और बहुत ज्यादा परेशान, क्या मुझे वहां जाना चाहिए, क्या भूतों के पास खुद मुझे चलकर जाना चाहिए, लेकिन मुझ पर भी तो भूतिया साया है ना जादू टोने से मैं मारा जाऊंगा। 2 दिन धीरे धीरे तड़पा था मैं और मुझे लगा मैं मौत के करीब जा रहा हूँ, मौत का डर आपको सताने लगता है और आप कमज़ोर होने लगते हैं, मैं और ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। तब मैं डिस्पेंसरी पर उस डॉक्टर से मिलने के लिए गया और उसे कहा आज अमावस की रात है, मैं उस तांत्रिक के पास जा रहा हूँ, इसके बाद रात के 12 बजे मैं उसी जगह पर जाने वाला हूँ। उस डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी थी जिससे मेरी आँखें खुली रहेंगी, मुझे नींद नहीं आएगी। मैं उन दवाइयों को जेब में डालकर चल पड़ा था सीधा तांत्रिक के पास। उसने मुझे एड्रेस दे दिया और मुझे कहा था
डरने की बात नहीं है, जैसा वो कहेंगे वैसा तुम्हें करना है। वहां पर कई लोग गए हैं जिन्हें भूत प्रेत नजर आए हैं, लोग डर कर भाग जाते हैं, लेकिन वो उस दुनिया का दरवाजा है जहां से तुम्हें निवारण मिलेगा। मैं 11 बजे ही उस बड़ी सी बिल्डिंग के पास पहुंच गया था। पुरानी खंडहर बिल्डिंग और आसपास के खाली घर, इसे देखकर ऐसा लग रहा था ये जगह ही भूतिया हो। और वैसे भी इस तरह शहर से बाहर बनाई गई थी, यहाँ रहने की कोशिश तो लोगों ने की होगी लेकिन रह नहीं पाए होंगे। पूरी तरह से खाली थी वो जगह, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। मुझे लगा कहीं मुझे उस तांत्रिक ने बेवकूफ़ तो नहीं बनाया, लेकिन उसने मुझसे पैसे मांगे ही नहीं। कोई पैसा अब तक नहीं लिया है, ऐसा कोई और नहीं करता, ज़रूर बात में दम होगा। मैं 12 बजे तक इंतज़ार करता रहा और जब 12 बज गए थे, इतना घुप अंधेरा था। वहाँ एक भयानक चीज़ हुई, जब आप अंधेरे में किसी जंगल में या वीरान जगह पर जाएं, वहाँ पर टिड्डियों की आवाज़, जानवरों की आवाज़, ऐसे पंछियों के रात को चीखने की आवाज़, कई आवाज़ें आ रही होती हैं कीड़े मकौड़ों की, वो आवाज़ें आपको डराती हैं। 12 बजते ही एकदम सन्नाटा, एक भी कीड़ा आवाज़ नहीं कर रहा था। मुझे मेरे दिल की धड़कन तक सुनाई दी थी और तब मुझे लगा, क्या सच में ये भूतिया जगह है। अचानक उस बिल्डिंग के अंदर एक लाइट चली थी, तीसरी मंजिल पर लाइट चली और उसके बाद वो खंडहर बिल्डिंग से टक टक की आवाज़, ऐसा लग रहा था चलकर जैसे कोई नीचे आ रहा हो। सीढ़ियों से उतरकर कोई नीचे आ रहा था और मैं पेड़ के पीछे छिप गया, क्योंकि ऊपर लाइट चली थी तो आसपास भी रोशनी ही रोशनी हो गई थी, लेकिन किसी ने जैसे धुआं भी कर दिया था। बिल्डिंग के इर्द गिर्द ज़्यादा धुआं नहीं था, लेकिन दूर दूर चारों तरफ धुआं फैल गया था, जैसे यहाँ से बाहर कुछ देखा ना जा सके। तब मैंने देखा दरवाज़ा खुला उस बिल्डिंग का, और दरवाज़ा खोलकर कई लोग बाहर की तरफ आने लगे। उनके हाथ में कुर्सियाँ थीं, टेबल थे, वो सूट बूट पहने दूर से साफ दिख नहीं रहे थे, लेकिन इतनी भीड़ उस बिल्डिंग से निकली थी, मुझे ऐसा लगने लगा था कहीं है भूत प्रेत ना होकर साधारण इंसान तो नहीं जो इस तरह छिपकर इस बिल्डिंग में रहते हो। उन्होंने बाहर झुंड सा बना लिया था। इसके बाद कुछ लोग ईंटों पर बैठ गए, कुछ लोग कुर्सियों पर बैठ गए, कुछ लोग उस धुएं की चादर को चीर कर बाहर की तरफ चले गए थे। मैं बस दूर से देख पा रहा था कि हर किसी के कपड़े अलग अलग से थे। किसी ने बिल्कुल लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे, किसी ने पूरे सफ़ेद, किसी ने काले, किसी ने सूट जैसा पहन रखा था, और सबसे अंत में जो निकले थे ना, उनके शरीर पर आग लगी हुई थी, हल्की हल्की सी आग, लेकिन वो तड़प नहीं रहे। ये क्या सर्कस जैसा माहौल बना रखा था। फिर मुझे अपना काम तो करवाना ही था, अब उस तांत्रिक ने कहा है तो बात तो माननी होगी। मैं बड़ा डर का घूंट भरकर सीधा चल पड़ा था उनकी ओर। जब मैं उस बिल्डिंग के बाहर पहुंचा, वो सब लोग अपना काम कर रहे थे, लेकिन जब मैं उनके करीब गया ना, हर किसी ने अपना काम छोड़ दिया और गर्दन मेरी तरफ घुमाकर मुझे सब घूरे जा रहे थे। अब इस रोशनी में करीब से उन लोगों को देखा था, वो जिंदा इंसान थे ही नहीं, हर किसी का चेहरा भयानक टूटा कटा फटा जला, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ की आंखें ही नहीं थीं, कुछ सिर्फ खोपड़ी जैसे थे, कुछ लड़कियां थीं जो हड्डियों का ढांचा थी। वो भीड़ ऐसी थी और मैं कांपती हुई टांगों से सामने बैठे उस कुर्सी वाले आदमी के पास गया। मेरी टांगें इतनी ज़्यादा कांप रही थी कि दो बार लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा था मैं। जब मैं उस आदमी के सामने खड़ा था, उसका भयानक सा चेहरा था और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसने फिर भी एक शब्द ना बोला और चारों तरफ सारे चुप होकर मेरी तरफ घूरे जा रहे थे। लड़खड़ाती हुई आवाज़ में मैंने ही कहा था, मुझ पर भूत प्रेत का साया है, मैं उसका निवारण करवाना चाहता हूँ। मुझे पता चला है यहाँ पर मैं आपका काम करूँगा तो आप मेरे लिए भी एक काम कर देंगे जो मैं चाहता हूँ। तब उसका चेहरा जो गुस्से से भरा था वो मुस्कुराने लगा था। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट थी और ऐसा लग रहा था जैसे सब खुश हों। फिर वो खड़ा हो गया और कहने लगा, अच्छा तो तुम काम के लिए आए हो, हम सब डर गए थे, यहाँ भटकता हुआ कोई आदमी पहुँच आया है,
अब तो तुम्हें हम डरा कर भगा ही देते या शायद तुम्हें मार ही देते, लेकिन तुम तो काम करने के लिए आए हो। स्वागत है तुम्हारा, तुम तो हम में से ही एक हो। फिर मेरा चेहरा चारों तरफ घूमा था, हर एक की तरफ देखा था मैंने और इस लाइन को समझने की कोशिश की थी कि मैं भी इनमें से एक हूँ। कैसे? मैं तो जिंदा हूँ, ये सब मरे हुए। लेकिन जैसे ही मुड़कर मैंने उस आदमी की तरफ देखा, उसका चेहरा भयानक नहीं रहा था। सूट बूट वाला एक हैंडसम आदमी लग रहा था और उसके बाद उसने एक सफ़ेद रंग की एक बड़ी सी स्लेट मेरी तरफ कर दी। ये पत्थर की बनी हुई एक शीट जैसी थी और पत्थर का ही एक पेन मुझे पकड़ाया और उसने कहा, यहाँ नीचे साइन कर दो, तुम्हें हमारी दुनिया में जाना होगा, छोटा सा काम करना होगा, एक दिन बिताना होगा, फिर मैं तुम्हारा काम करूँगा और तुम्हारा जो काम करूँगा वो जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा। मैंने उस शीट पर साइन कर दिया। उसके बाद सब तरफ तालियों की गड़गड़ाहट और उसने अब उस घर के अंदर पैर रखा। वो दोबारा उसी घर में चला गया था, लेकिन अब पहले वाले फ्लोर के अंदर लाइट जली। वहाँ से लगभग 10 मिनट तक वो कुछ ढूंढता रहा, फिर ढूंढ कर टेबल पर लेकर आया। लाल रंग के कपड़े में लिपटा हुआ था कुछ, मुझे नहीं पता उसमें क्या था। उसने ऊपर गांठ बांध रखी थी और सील भी लगा रखी थी। मेरे हाथ में वो चीज़ देकर वो कहने लगा, 313 नंबर कमरा, अब तुम्हें जाना होगा तीसरे नंबर के फ्लोर पर, वहाँ 313 नंबर कमरे में ये चीज़ देकर आनी है, काफ़ी कीमती चीज़ है, उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है, रास्ता बहुत मुश्किल भरा होगा, हम में से कोई नहीं कर सकता, तुम ही कर सकते हो, जब ये काम करके तुम वापस आ जाओ उसके बाद मुझसे बात करना, फिर हम मिलकर कोई काम का और सौदा करेंगे, अगर तुम करना चाहो, तुम्हारी मर्जी, अब तुम काम कर सकते हो, साइन तुमने कर दिया है, सौदा हो गया है, जबान के तुम भी पक्के हो, जबान का मैं भी पक्का हूँ। अब मुझे लगा कि तीसरे नंबर के फ्लोर पर 313 नंबर कमरा होगा, वहाँ दरवाज़ा खटखटाना होगा, इसे देकर वापिस आ जाना होगा, 5 मिनट का ही तो काम है, आसानी से मैं वो काम कर दूँगा। मैं थोड़ा सा खुश था अंदर से, आखिर उन्होंने छोटा सा ही काम कहा है, लेकिन एक लाइन का मतलब नहीं समझा। 313 नंबर घर, 313 नंबर कमरा नहीं कहा था उन्होंने, लेकिन मुझे क्या, जाकर देखता हूँ। फिर उन्होंने वो पीछे वाली लिफ्ट की तरफ इशारा किया, मैं सीधा पहुँच गया उस लिफ्ट के अंदर। 3 नंबर फ्लोर वाले बटन को दबाया मैंने और वो लिफ्ट ऊपर की तरफ चलने लगी। झटका महसूस हो रहा था, तीसरी मंजिल पर जाने वाली थी वो लिफ्ट, और तीसरी मंजिल आने का नाम नहीं ले रही। पहले फ्लोर पर काफ़ी समय जैसे अटकी रही वो लिफ्ट, लेकिन झटका महसूस होता रहा, ऐसा लग रहा था जैसे पहली मंजिल बहुत बड़ी हो। बार बार खींचकर मुझे ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही थी वो लिफ्ट। फिर दूसरी मंजिल आई, वहाँ पर भी कुछ समय लगा, फिर तीसरी मंजिल आई और झटका महसूस होता रहा जैसे ये बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के भी ज़्यादा ऊपर चढ़ रही हो, इतना समय लगा दिया था। इसके बाद एक झटके से वो लिफ्ट रुकी, लिफ्ट का वो दरवाज़ा खुला और सामने अंधेरा घास वाला मैदान दिख रहा था और मैं हैरान, तीसरी मंजिल पर घास लगा रखी है, यहाँ पर आसमान भी नज़र आ रहा है, छत तो है नहीं, क्या मुझे टॉप फ्लोर पर पहुंचा दिया, ये 3-4 मंजिल वाली इमारत है, क्या है ये। फिर मैं लिफ्ट से बाहर निकला और जैसे ही मैंने उस घास पर पैर रखा, पीछे दरवाज़ा बंद हो गया और वो लिफ्ट ज़मीन में समा गई। वहाँ मैं पीछे मुड़कर देखता जा रहा था वो लिफ्ट वाला खड्डा कहाँ पर है, वहाँ घास उगाई थी एक झटके में जैसे वहाँ से कोई चीज़ निकली ही ना हो। चारों तरफ दूर दूर तक देखा जा रहा था, वहाँ ऊपर चांद की रोशनी थी, लेकिन अभी तो अमावस की रात थी ना, ये चांद कहाँ से निकल आया, वो लाल रंग का चांद था जिससे लाल लाल रोशनी निकल रही थी और चारों तरफ अंधेरे में लाल रोशनी डरावना सा एहसास दे रही थी। हाथ में वो चीज़ लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पर देकर आनी है। 313 नंबर घर, यहाँ तो मुझे कोई घर नज़र ही नहीं आ रहा, इतना बड़ा फ्लोर दूर दूर तक दिख रहा था। मैंने फिर चलना शुरू कर दिया, आगे चलने से ही रास्ता कटेगा ना। मैं चलता चलता आगे बढ़ने लगा था, वहाँ पेड़ तो लगे हुए थे लेकिन किसी पेड़ पर पत्ता नहीं था।
सभी के सभी पेड़ भूतिया लग रहे थे। अब भूतों की बिल्डिंग में घुसा हूं तो भूतिया चीजें ही दिखेंगी ना। जो जमीन थी ना वो पूरी तरह से लाल थी। एक तो चांद की लाल रोशनी में हर चीज लाल, ऊपर से ये मिट्टी और ज्यादा लाल और भुरभुरी सी मिट्टी। जहां पर मैं खड़ा सा हो जाता ना, ऐसा लगता पैर मेरे जमीन में धंसने लगे हैं। मुझे अब आगे बढ़ना था, 313 नंबर घर ढूंढना था। मैं चलता गया, घास से उस पहाड़ी को पार करते ही आगे आग जलाकर चार लोग बैठे हुए थे। मैं अब उन लोगों की तरफ जाने लगा, क्योंकि पूछने से ही काम बनेगा ना। मैं भूतों से मिलकर आया हूँ और भूत मदद करते हैं, ये समझ गया था। ये भी मदद करेंगे, ये मुझे लगा था। जब मैं उनके पास पहुँचा, वो चारों लोग आग में हाथ सेक रहे थे, और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मेरे शरीर को देखकर घबरा से गए। उनके चेहरे बस खोपड़ी जैसे थे, मांस नहीं था उसमें। लेकिन मेरी तरफ वो बिना आँख वाली खोपड़ियाँ ऐसे देख रही थी जैसे उन्हें सब कुछ दिख रहा हो। मेरी तरफ देखते ही उन्होंने अपने हाथ आग में डाल लिए और चारों के चारों आग में घुस गए। उनकी हड्डियां भी मेरे सामने ही जल गई थी, और वहां पर जैसे छोटा सा धमाका हुआ, उनकी सारी की सारी हड्डियां वहां पर बिखर गई और वो पूरी आग भी बुझ गई थी उस धमाके के कारण। मेरी आंखें कुछ देर के लिए चुंधिया सी गई। जब आप कोई तेज रोशनी आंखों के सामने देख लो तो आपको बाकी चीजें धुंधली धुंधली दिखने लगती हैं कुछ समय के लिए। मुझे भी ऐसा ही हो रहा था। मैं उनसे सवाल करने वाला था, लेकिन वो तो जैसे मुझसे डर कर वहां से खुद ही अपने परखच्चे उड़ाकर गायब हो गए। मुझे अब आगे बढ़ना था, अब यहां रुकने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला था। तभी दूर मुझे बड़े बड़े कुत्ते नजर आए। काले रंग के वो कुत्ते 3 से 4 फुट ऊपर तक थे। मैं उनकी तरफ बढ़ने ही वाला था, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। पीछे जब कंधे पर हाथ रखा था, मैं एकदम से उछल गया, मेरी चीख निकली थी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वही आदमी जिसने मुझे ये चीज़ पकड़ाई थी वो यहाँ तक मेरे पीछे पीछे आ गया था, और उसने मेरे कंधे पर अब अपना हाथ हटाया और मुझे कहने लगा, माफ़ करना, तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया, तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, बस कुछ हड्डियाँ मिली थी जो फूट गई। उसके बाद उसने मुझे कहा, नियम बताने भूल गया, मुझे माफ़ करना, मैं भी भूत हूँ ना, भूल जाता हूँ। यहाँ पर मुस्कुराते रहना, चाहे जो हो जाए मुस्कुराते रहना, मुस्कुराने वाला ही बचता है। अगर चेहरे से मुस्कान गई, समझो मारे गए। मुस्कुराओ मुस्कुराओ। मैंने भी उसके सामने ही मचला सा होकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। वो मुझे देखकर खुद मुस्कुराया और कहने लगा, मुस्कुराते रहना, क्योंकि तुम जिंदा हो, यहाँ मरे हुए नहीं मुस्कुराते मेरी तरह, मैंने तो बस बताया है। ये कहते ही वो पीछे की तरफ भागने लगा। मैं उसको कहे जा रहा था, वो घर कहाँ है, वो घर कहाँ है, मुझे बता दो। उसने दूर से इशारा किया, 313 नंबर, घर नंबर 313, ढूंढो उसे, ये तुम्हारा काम है। वो पीछे कहीं गायब सा हो गया, दूर नजर ही नहीं आ रहा था। अब मुझे आगे बढ़ना था, 313 नंबर कमरा। वादा मैंने किया है, मुझे तो अपना वादा निभाना होगा ना। लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट, हे, मैं डरा हुआ था फिर भी हंस रहा था। अब क्या करूं, हंसते हंसते आगे बढ़ रहा था। अब मैं उन कुत्तों से थोड़ा दूर से निकलना चाहता था। कुत्तों से बात थोड़े ना की जा सकती है, उनसे दूरी बनाए रखी जाती है। मैं दूसरी दिशा में जा रहा था और वो कुत्ते जैसे मेरी तरफ घूरने लगे। उन्होंने मुझे देख लिया था, मेरे पीछे भागने लगे थे, और मैं भी आगे भागना शुरू हो गया। अब कुत्तों का शिकार नहीं बनना चाहता, भूतों की दुनिया है, खतरे भी बड़े बड़े होंगे। भागता गया मैं, अब सामने मुझे एक सड़क नजर आई। अब ये सफ़ेद रंग की सड़क थी जिसके बीच में काले रंग की पट्टियां बनी हुई थी, बिल्कुल जैसे हमारी सड़कों का उल्टा हो। अब उस सफ़ेद सड़क पर मैंने भागना शुरू कर दिया और मेरे पीछे कुत्ते। आपको पता है ना कुत्तों की रफ्तार तेज़ होती है। मैं ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँच पाया और सामने मुझे एक घर दिख गया था, लेकिन उस घर के करीब पहुँचने से पहले उन कुत्तों के झुंड ने मुझे घेर लिया। बड़े बड़े से कुत्ते, एक कुत्ते के 2 सर थे और बाकी कुत्तों का सरदार था जैसे वो। बाकी कुत्ते एक तरफ हो गए और वो मेरी छाती पर आ गया। उसने मुंह खोला, मुझे जैसे काटने की कोशिश करने ही वाला था, तभी मैं मुस्कुराया।
मुझे मुस्कुराता हुआ देख वो घबराकर थोड़ा सा पीछे हो गया। इसके बाद मैं डरा तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन बात मुझे याद थी कि मुस्कुराते रहना है। मैं मुस्कुराता ही रहा। हर किसी की तरफ देखकर बस मैं मुस्कुराए जा रहा था। तब सभी कुत्ते मुझ पर जैसे टूट पड़े थे। वो मेरे करीब आकर झपट्टा मारना चाहते थे। उन्होंने मुंह खोला था मेरे चेहरे के पास और इतना बड़ा मुंह, मेरा पूरा का पूरा सर उनके मुंह में आ सकता था, लेकिन मेरी एक आवाज बस इतना कहने से वो जैसे घबराने लगे थे। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे और वो दो सर वाला कुत्ता कहने लगा, अच्छा तो सब पता है तुम्हें, जिंदा हो और यहाँ तक आ गए, अब बचने के तरीके भी जानते हो, लेकिन ये मौत की दुनिया है, यहाँ रोना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है, घबराना पड़ता है, लेकिन मुस्कुरा नहीं सकते। कब तक मुस्कुराते रहोगे? आगे आगे क्या होगा तुम्हें पता तक नहीं। ये कुत्ते के मुंह से निकला था और उसके बाद वो सारे के सारे बड़े बड़े कुत्ते झुंड बनाकर वहां से गायब हो गए। अब मुझे पता चल गया था यहां बचने का एक ही तरीका है, मुस्कुराना। और मैं उठा, अपने कपड़ों से वो लाल रंग की मिट्टी झाड़ी मैंने, फिर मैं अपनी मुस्कुराहट को बिना रोके आगे बढ़ने लगा। सामने वाला वो घर, बड़ी खुशी हुई आखिरकार मुझे घर मिल ही गया। मैं जैसे ही उस घर के पास पहुंचा, मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे को खटखटाकर मैं पहले सोच रहा था जो बाहर निकलेगा सामान दूंगा और यहां से दूर भाग जाऊंगा, लेकिन मुझे लिफ्ट कहां पर मिलेगी मुझे ये पता नहीं था। मैंने जैसे ही दरवाजे को बार बार खटखटाया, अंदर से मुझे एक आदमी बाहर निकलता हुआ नजर आया। ठक ठक की वो आवाज़, जब दरवाज़ा खुला उस आदमी का सर नहीं था, धड़ था, जैसे सर धड़ से अलग हो चुका हो, फिर भी वो चल रहा था। जिंदगी में मैंने ऐसी चीज़ नहीं देखी थी और जो देख रहा था उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। इसके बाद मेरे हाथ में वो सामान था और उसने हाथ आगे कर दिए। मैं उसके हाथ में सामान पकड़ा तो देता, लेकिन मुझे जानना था यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। उससे सवाल करूँगा तो जवाब कहाँ से मिलेगा, मुँह तो है नहीं उसका। अब वो आदमी अपने हाथ आगे बढ़ाए जा रहा था तो मुझे लगा बिना पूछे ही उसे सामान दे देना चाहिए। मैंने वो सामान उसके हाथों में जैसे ही रखा, वो जल्दी से घर के अंदर भाग गया। मैं अब जानना चाहता था यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ, सामान तो मैंने पकड़ा दिया। फिर मैं उस घर से बाहर आया, मैं उसका दरवाज़ा लगाने ही वाला था, तभी उस घर के एक तरफ लगा वो बोर्ड देखा मैंने। ये घर था 123 नंबर, हाउस नंबर 123 पढ़ते ही मेरे होश उड़ गए। मुझे 313 नंबर घर ढूंढना है और ये तो कोई और है। फिर मैं वो दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और ऊपर वाले कमरे में वो बिना सर वाला आदमी दरवाज़ा बंद करके छिप गया था। कहाँ गया मेरा सामान? मुझे ये सामान कहीं और देना है, वरना हमेशा के लिए यहाँ पर फंस जाऊँगा। मैं बहुत चिंतित हो गया था। जैसे ही मैं ऊपर की तरफ भागा, उसे ढूंढने लगा वो दरवाजे के पीछे। दरवाज़ा ज़्यादा मोटा नहीं था, पास में पड़ी वो लकड़ी की कुर्सी उठाई और देने लगा मैं। बड़े जोर जोर से उस दरवाजे को तोड़ देना चाहता था मैं। कुर्सी मारते मारते दरवाज़ा तोड़ दिया मैंने। जैसे ही दरवाजे को तोड़कर मैं अंदर पहुंचा, वो बिना सर वाला उस चीज़ को पकड़े हुए कोने में खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा ये खिड़की खोलकर भागा ना, बाहर ढूंढ भी नहीं पाऊंगा। जल्दी से मैंने उसे पकड़ लिया और उसने एक हाथ से चाकू पकड़ा हुआ था, जो मेरी तरफ उसने चाकू किया। मैं कुछ समझ नहीं पाया और अचानक मेरी चेहरे पर वो मुस्कुराहट आई। उसने वो चाकू रोक लिया। वो चाकू मेरी गर्दन में धंसाने वाला था और शायद मेरी गर्दन को काट डालता। फिर मैं हंसता हंसता उसके ऊपर बैठ गया। छाती पर घुटना रख दिया मैंने और वो चीज़ उससे छीनी और उसको 5 गालियाँ दी। वो ज़मीन पर ही लेटा रहा। मैं उठा, हंसा और घर से बाहर आ गया। उसने वो दरवाज़ा बंद किया और अंदर से 3-4 चप्पलें उठाकर मेरी तरफ फेंकी। मैं उन चप्पलों से तो बचा, 2 चप्पलें मेरे करीब गिरी थी,
लेकिन इनसे ज्यादा चोट लगने वाली भी नहीं थी। माँ की बहुत चप्पलें खाई हैं मैंने, बस ये चीज बच गई जिससे मैं अभी तक जिंदा हूं। फिर मैं आगे बढ़ा मुस्कुराते हुए, कहाँ जाना है मुझे। मैं उस सड़क से आगे निकलता गया और मुझे घरों के नंबर दिख रहे थे। वहाँ 123, 186, 112 इस तरह अलग अलग नंबर, और हर नंबर एक क्रम में नहीं था, इसलिए मुझे हर घर के पास जाकर नंबर पढ़ना पड़ता। इस तरह पढ़ते पढ़ते मैं जब एक चौराहे पर पहुँचा, वहाँ ज़मीन पर कोई लेटा हुआ था और चार लोग दांतों से उसे खाए जा रहे, उसके मांस को उधेड़ रहे थे, उसे चीर रहे थे और वो चीख रहा था। मुझे लगा मुझे उसे बचाना होगा, कहीं वो भी मेरी तरह तो नहीं, उसे भी इन लोगों ने पकड़ तो नहीं रखा। वो सब मरे हुए लग रहे थे जिनके सड़ा हुआ मांस लटक रहा था, लेकिन जो ज़मीन पर लेटा हुआ था ना, वो बिना कपड़ों के एक नंगा आदमी जिसका मांस उधेड़ा जा रहा था, वो मुझे इंसान लगा। मुझे लगा उसे बचाना होगा। एक तरफ पड़ा बड़ा सा लकड़ी का गट्टा उठाया मैंने, उस सामान के साथ ही वो गट्टे को एक हाथ में पकड़े हुए मैंने जो घुमाना शुरू किया, वो तीन चार लोग थे इधर उधर गिरने लगे और फिर काटने के लिए मेरे करीब आने लगे। मैं वो लकड़ी का गट्टा घुमा घुमा कर उनके सरों पर मार रहा था और उनके जैसे सर लटक गए, उनकी बाजू टूट गई, मैंने उनके शरीर के जैसे हिस्से तोड़ डाले थे, कुछ के कूबड़ निकल गया, कुछ की टांगे तोड़ डाली। वो ज़मीन पर लेटे हुए मेरे करीब आ रहे थे, लेकिन फिर मैं मुस्कुराया। मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। ये कहते ही वो रुक गए, लेकिन मेरा वो लकड़ी का गट्टा नहीं रुका, मैं उन्हें मारता गया। तब वो आदमी ज़मीन पर जो कराह रहा था, वो उठकर खड़ा हुआ, मेरे करीब आया, उसने मुझे तीन चार गालियाँ दी और कहा, भाग जा यहाँ से, क्यों मुझे तंग कर रहा है, बड़ी मुश्किल से इनके जैसा बनने का मौका मिला है, तू क्यों खराब कर रहा है मेरा काम। उसे देखते ही मैं घबरा गया, मेरा चेहरा सा उतर गया था, मैं उसे बचा रहा था और वो मेरी बेइज्जती कर रहा था। चेहरे की मुस्कान उड़ गई और तभी मुझ पर उन तीन चार लोगों ने झपट्टा मारा। उस नंगे आदमी ने भी झपट्टा मारा था जिसका आधा मांस उधड़ चुका था। तभी ज़मीन पर गिरते ही मुझे रोना चाहिए था, दर्द हुआ था, लेकिन मेरी हंसी निकली। मैं मचला सा होकर हंस रहा था और वो मेरे ऊपर से उतर गए। मैं हंसता रहा। तब उन्होंने मुझसे थोड़ी सी दूरी बनाई। इसके बाद वो आदमी कहने लगा, अब छोड़ दे मुझे, भाग गया यहाँ से। मैंने कहा, तुम जिंदा थे, मुझे लगा तुम्हें बचाना चाहिए। वो कहने लगा, जिंदा नहीं हूँ मैं, अभी मरा हूँ और यहाँ पर आया हूँ, इनके जैसा बनूंगा तभी तो यहाँ रह पाऊँगा, चला जा यहाँ से, मुझे परेशान मत कर। फिर वो ज़मीन पर लेट गया और तीन चार लोग जिनको मैंने लगभग तोड़ ही डाला था, वो उसके मांस को चबाने लगे थे। फिर से वो चीखने लगा, कैसी दुनिया है, यहाँ पर एक दूसरे को खाते हैं ये और बचाने वाले को सब मारते हैं। मैं बस हंसता हंसता आगे बढ़ा था। अब कहाँ ढूंढूं वो घर। बस आगे आगे घरों के नंबर पढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। इस तरह काफ़ी ज़्यादा थक गया था, प्यास लगी थी, भूख लगी थी, लेकिन मुझे ये काम करना था। आखिर मुर्दों की दुनिया में खाने को क्या मिलेगा, मांस, पीने को क्या मिलेगा, खून, वो मैं खाता पीता नहीं था, मैं वेजिटेरियन था। इस तरह घरों के नंबर पढ़ता रहा और एक जगह जब 303 नंबर घर दिखा था, मैं सोचने पर मजबूर हो गया, अब आसपास 300 वाला शुरू हो गए हैं घर, अब यहाँ वो 313 नंबर आसपास होना चाहिए, कहाँ है। लेकिन वहाँ और भी भयानक भयानक से जीव दिख रहे थे, ज़मीन से निकलते हुए वो सांप नुमा इंसान। अब सांप नुमा इंसान इसलिए कह रहा हूँ, उनकी ना तो बाजू थी, उनकी दोनों टांगें चमड़ी से जुड़ी हुई और वो सांप की तरह मिट्टी में जैसे सर को हिलाते हुए खड्डा खोदते और बीच में घुस जाते। वहाँ मुझे बार बार दिख रहे थे वो जो ज़मीन से निकलकर बाहर आ रहे थे और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे, लेकिन सांप ज़्यादा तेज़ नहीं भागते और वो भी इंसान जो खुद सांप बने हुए हों। मैं बस उनसे बचता हुआ छलांगे लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था।
वहाँ मुझे बिना सर वाले आदमी, कुछ अजीब सी लड़कियाँ जो तीन चार आपस में चिपकी हुई थी, वो मकड़ी जैसी बनी हुई, ऐसे ऐसे दृश्य दिख रहे थे जो देखते ही मुझे घबराहट सी होती जा रही थी और मुझे लग रहा था कैसे ढूंढूं वो घर। तभी वहाँ पर सबसे भयानक चीज़ दिखी थी। एक बड़ा सा आदमी जिसका 11 फुट का कद होगा, हाथ में बड़ी सी तलवार और वो हंस रहा था। यहाँ पर कोई भी हंसता नहीं था, जो जिंदा होता था वही हंसता था। और जब भी मैं हंसा करता था ना, मैं बच जाया करता था और सब मुझसे दूर भागते थे। अब एक तरफ वो खड़ा हंस रहा था और दूसरी तरफ मैं, और सामने वो। अब वो मेरे पीछे भागना शुरू हो गया था और मैं डर कर उससे आगे, उसके हाथ की वो तलवार जिससे वो मेरे दो टुकड़े तक कर सकता था। वो कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसकी हंसी भयानक थी और मेरी हंसी तो जब हम रोते रोते हंसते हैं ना, मैं वैसे हंस रहा था। मैं भागे जा रहा था वो मेरे पीछे मुझे मारने के लिए। और कई घर दिखे थे मुझे, उन घरों के नंबर भी मैं पढ़ता जा रहा था। 310 नंबर घर दिखा तो आंखें थोड़ी चुंधियाई थी, लेकिन वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। वो तो उसका वजन ज़्यादा था, इसलिए वो ज़्यादा तेज भाग नहीं पा रहा था, वरना वो मुझे पकड़ लेता। उसे सांस नहीं चढ़ रही थी, मुझे सांस चढ़ रही थी। मैं थक रहा था, धीरे धीरे मेरी रफ्तार कमज़ोर होती जा रही थी और एक पेड़ के पास मैं गिर गया था। जैसे ही मैं गिरा, उस पेड़ को पकड़कर मैं उठना चाहता था और उस पेड़ पर मेरे हाथ पर उसने हाथ रख दिया और उसके वजन से मैं वहीं पर लटक सा गया था। फिर उसके एक हाथ में तलवार, उसकी वो हंसी और मेरी रोती हुई, फिर भी मैं हंसने की कोशिश करता रहा। मुझे लगा ये तो मुझे मार देगा, मेरी हंसी का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने मुझे खींचा, मुझे खड़ा किया और कहने लगा, जिंदा हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो, भाग जाओ यहाँ से, बड़ा परेशान करके रखा है, कब से तुम्हारा पीछा कर रहा था। एक तो मेरा गला बैठा हुआ होता है हमेशा, मैं चीख नहीं सकता, दूर तक आवाज़ नहीं लगा सकता, बस हंस सकता हूँ। ऊपर से तुमने तंग करके रख दिया है, अब ये कोई टूरिस्ट प्लेस है, जिंदा लोग भी इन मुर्दों की दुनिया में घुसने लगे हैं, भागो यहाँ से वरना इस तलवार से काट डालूंगा। मेरा ये काम नहीं है, फिर भी तुम अगर ज़्यादा परेशान करोगे कुछ करना पड़ेगा मुझे। मैं अब रोता रोता, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं बस एक घर में ये सामान देने जा रहा हूँ, बस उसके बाद मेरा काम खत्म, मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता, मुझे मेरी दुनिया पसंद है। उसने मुझे खड़ा किया और कहने लगा, तुम्हारे पीछे कब का भागे तो जा रहा हूँ, मुझसे पूछते मैं बता देता, घर का नंबर कितना है। मैंने कहा 313 नंबर। तो वो कहने लगा, वो पीछे चमकता हुआ घर दिख रहा है, 313 नंबर वो है, देखो ज़्यादा समय मत लगाना और काम करके निकलते बनो, ये कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है, वरना उठा के पटकना शुरू कर दूंगा। और मुस्कुराते रहना, ये तो पता है ना। मैंने कहा मुस्कुरा रहा हूँ। तो उसने मुझे वहाँ से जाने दिया और जाते वक्त कहा, अब अपना चेहरा पहुँचो, हंसते हुए भी रोते लग रहे हो, चलो जल्दी से काम करो। ये कहकर वो एक तरफ तलवार लेकर खड़ा हो गया। अब मैं भागा उस 313 नंबर घर की तरफ। बाहर लगा बोर्ड, घर नंबर 313। सांस में सांस आई थी मेरे। जैसे ही वो घर का दरवाज़ा खटखटाया मैंने, वहाँ से एक 15 साल का लड़का निकला। उसका मांस गल चुका था, एक आंख गल चुकी थी, लेकिन मेरी तरफ बड़ी प्यारी सी आवाज़ में वो कहने लगा, कौन है आप, क्या चाहते हैं। मैंने उसको वो सामान पकड़ाया और कहा, 313 नंबर घर, तुम्हें ये सामान देने के लिए कहा गया है, बस मेरा यही काम था, मुझे और कुछ नहीं पता। तब उस सामान को पकड़कर उस बच्चे की भी मुस्कुराहट निकली और थोड़ा सा हंसा। ये कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं
उस घर के बाहर खड़ा अब इंतजार कर रहा था मुझे। यहां से बाहर निकालो, मैंने काम कर दिया, मैं यहां से बाहर कैसे निकलूं। तभी जमीन फाड़कर वो लिफ्ट बाहर की तरफ आई, वो खुली और अंदर बीप बीप का साउंड बजे जा रहा। मैं भागकर लिफ्ट में घुस गया। वो लिफ्ट का ग्राउंड फ्लोर वाला बटन मैंने दबाया और वो लिफ्ट बंद हुई और बड़ी तेजी से झटके खाने लगी। अब मैं समझ पा रहा था, दो ही मंजिल ऊपर नहीं गई थी ये लिफ्ट, हमारी दुनिया से मुर्दों की दुनिया तक लेकर गई थी। इसीलिए इतने ज़्यादा झटके लगते हैं, इतना ज़्यादा समय लगता है। क्या कमाल की चीज़ है, किसने बनाई होगी। बड़ी देर लिफ्ट में रहा, फिर जाकर वो फर्स्ट फ्लोर आया और ग्राउंड फ्लोर आया। ग्राउंड फ्लोर आते ही वो लिफ्ट खुली, मैं उससे बाहर निकला बहुत परेशान। लेकिन वहाँ अंधेरा, पीछे एक बल्ब जल रहा और वो बल्ब मुझे नीला नीला लग रहा था। अब उस लाल दुनिया से आया था, चांद की लाल रोशनी ने आँखें भी लाल लाल कर दी थी। हर चीज़ मुझे लाल लाल देखने की आदत पड़ गई, अब सफ़ेद बल्ब भी नीला नीला लग रहा था। मैं जल्दी से उस टेबल के पास पहुंचा और वो आदमी बड़ा खुश ये कहने लगा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया काम कर दिया तुमने, अब बताओ तुम्हें क्या काम है, आखिर हम वो क्या कर सकते हैं जिससे तुम्हें फ़ायदा हो। मैं अब घूम फिर कर चकरा सा गया था, मैं बहुत घबरा सा गया था। फिर मैंने उसको वही बात करने की सोची जो उस तांत्रिक ने कही थी, लेकिन अपने अल्फाज जोड़कर। मैं थोड़ा बात को लंबा कर रहा था कि इतना मुश्किल काम किया है तो बात भी मैं थोड़ी बड़ी करूँगा। मैंने कहा, मुझ पर भूत प्रेत का साया है, मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ, मैं जल्द मरने वाला हूँ, मुझसे भूत प्रेत का साया निकालो। तो वह कहने लगा, ये किस दुनिया से आए हो तुम, पता है तुम पर भूत प्रेत का साया होता और वो वहाँ चले जाते, तुम वापस आते, तुम्हारे साथ वो वापस आ नहीं पाते, तुम्हें वहीं दिख जाते वो कौन सा भूत प्रेत पिशाच जो तुम पर चिपका हुआ है, कोई नहीं है तुम पर। जब तुम यहाँ आए थे मुझे कोई नज़र नहीं आया था। ये सुनकर मैं घबराया और फिर मैं उसको कहने लगा, नहीं, मुझे उस तांत्रिक ने बताया है, धीरे धीरे मेरी हालत बिगड़ती जा रही है, मुझ पर प्रेत का साया है, किसी ने जादू टोना किया है, मुझे उसका निवारण चाहिए। तब वो मुस्कुराकर कुर्सी पर बैठ गया और उसने अपने एक आदमी की तरफ इशारा किया। वो आदमी उसके कान में कुछ बोला और फिर वो हंसने लगा। तुम्हें गलती से गलत जगह भेजना था, लेकिन तुम्हें सही जगह पर भेज दिया उसने। मैं पूछने लगा, किसने, कौन सी गलत जगह और कौन सी सही जगह, साफ साफ बताओ। उसने फिर जो जो बताया, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। उसने तब शुरू से बताना शुरू किया, गांव में रहा करते थे तुम, शहर में आए, घर तुम्हारा, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारा हक था उस पर, लेकिन तुम्हारी सेहत खराब होने लगी और तुम जब डॉक्टर के पास गए सेहत सुधरी नहीं, किसी ने कहा जादू टोना किया है तो तांत्रिक के पास चले गए, तांत्रिक ने कहा भूत प्रेत का साया है, किसी ने जादू टोना किया है तो भूतों की नगरी चले आओ। तुम्हें पता है यहाँ उसने क्यों भेजा था, मरने के लिए, उसे लगा यहाँ जो भी आते हैं मर जाते हैं, तुम भी मर जाओगे, तुम तो काम करके वापिस ही आ गए। और उसने बस सुना होगा, वो खुद डरपोक था, कभी नहीं आ पाया। अब सच बताता हूँ, जब शहर से तुम यहाँ पर आए कई लोग तुम्हारी ज़मीन हड़पना चाहते थे, तुम्हें मारना चाहते थे, लेकिन जादू टोना किसको आता, किसी को नहीं। फिर तुमने जहाँ से खाना लेना शुरू किया उस खाने में कुछ मिलाता, वो डॉक्टर उसकी मासी का लड़का था जो तुम्हारे पास वो खाना देकर आता था, उसमें ऐसी चीज़ें मिलाते जिससे थोड़ा थोड़ा जहर तुम्हारे शरीर के अंदर जाता, सेहत बिगड़ती, और वो ज़्यादा जहर दे नहीं सकते थे वरना वो फंस जाते। फिर तुम्हारी सेहत बिगड़ी, तुम पहुँचे सीधा उसी डिस्पेंसरी में, उनकी चाल थी ये पूरी की पूरी, उसके बाद तुम्हें दवाई ऐसी दी, तुम्हारी सेहत और बिगड़ी, उसके बाद उसने तांत्रिक के पास भेजा जो उससे मिला हुआ था, फिर तुम्हें यहाँ पर भेजा ताकि तुम मारे जाओ। पूरी प्लानिंग थी तुम्हारे घर को हड़पने की, कोई जादू टोना नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो, अपने गांव जाओ, पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, खाना बंद कर दो फिर ठीक हो जाओगे, डॉक्टर के पास तांत्रिक के पास ना जाओ तो तुम ठीक ही रहोगे, कल से ही समझ जाओगे। मेरी आँखें खुल गई थी और मैं सब समझ गया।
मुझे मरने के लिए भेजा था और मैं तो बचकर आ गया। और कमाल की बात, काम पूरा नहीं हुआ। वो सामने बैठा आदमी कह रहा था, तुम्हें सच पता लग गया, अब बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या करूं। अब मैं हंसते हुए कहने लगा था और इस हंसी में कोई डर नहीं था। मैं रो नहीं रहा था, असल में हंसा था मैं। आप करेंगे फिर मेरा काम? कुछ भूत प्रेत उधार मिलेंगे मुझे? वो मुस्कुराया और कहने लगा, काम हो जाएगा। तुमने मेरा काम किया, मैं तुम्हारा काम करूंगा। बोलो कौन कौन से चाहिए? जैसे चाहते हो वैसे मिलेंगे। मैं जानता हूं तुम क्या करवाना चाहते हो। मैंने उसको कुछ बताया नहीं, वो जैसे दिमाग से ही पड़ गया। उसके बाद मुझे घर जाने को कहा और फिर वो कहने लगा, काम हो जाएगा, डरना मत। मैं सीधा घर पहुंचा। अंधेरे में अमावस की रात को वीरान सुनसान जगहों से निकला था। डर ही नहीं लग रहा था मुझे, बिल्कुल नहीं घबराया मैं। लेकिन अगले ही दिन मैं तो घबराया नहीं, कुछ और लोग घबराए हुए मिले थे। मेरे घर में पहुंचा था वो डॉक्टर, मेरे पांव पड़कर कहने लगा था, कल रात वो मुझे पिशाच दिखा था, मेरी पीठ खरोंच डाली। और मैं उसे कहने लगा, बड़ी मुश्किल है, तुम्हें तांत्रिक के पास जाना चाहिए। और उसके बाद वो तांत्रिक के पास गया और दोनों मेरे पास। तांत्रिक का खुद का बुरा हाल कर दिया था, एक पिशाच ने उसकी टांग तोड़ डाली थी। अब मैंने कहा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। उनका कहना था, वो जो भी पिशाच भूत हैं उन्हें मारते हैं मेरा नाम लेकर। मुझसे माफ़ी मांगो, जब तक मैं माफ़ नहीं करता वो छोड़ने वाले नहीं। और मैं इतनी आसानी से माफ़ कैसे कर देता? अब तीसरे दिन वो डॉक्टर, वो तांत्रिक और डॉक्टर के मौसी का लड़का, तीनों मेरे पांव पड़ रहे और वो मुझसे माफ़ी मांग रहे। और मैंने कहा, मैं गांव जाने वाला हूँ, हफ्ता 10 दिन की छुट्टी लेकर फिर वापस आता हूँ, फिर सोचता हूँ। मैं गांव आ गया, बहुत मज़ा आया, सेहत तो मेरी सुधर रही थी। लेकिन 10 दिन बाद जब वापस पहुँचा, उनकी सेहत नहीं सुधर रही थी। तीनों अस्पताल में थे, रंग काला फिर चुका था और डॉक्टर्स का कहना था, कोई जहर है जो शरीर में घुल रहा है, ये इतने डरे डरे रहते हैं कि खुद को ही मारने वाले हैं। उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, पिछले 10 दिनों में क्या क्या हुआ वो सह नहीं पा रहे थे। अब आप बताइए, मैं उन्हें छोड़ूं या उन्हें और मज़े लेने दूं? वो भूत, वो पिशाच उन्हें मरने भी नहीं देंगे। अगर उन्हें लग रहा है वो मरकर बच जाएंगे तो ऐसा भी नहीं। अब आप ही बता दीजिए, माफ़ कर दूं, हो गई सज़ा ख़त्म, या कुछ दिन और उन्हें मज़े करने दूं?